हाय रेडियो सिटी 91.1 से मैं हूँ आरजे मेहर। शाहरुख खान को एक बार एयरपोर्ट पे रोका गया था, उस घटना और भी कुछ घटनाओं को मिलाकर बन गई फिल्म इंडियाज मोस्ट वांटेड। अर्जुन कपूर ने इससे पहले शायद इतना हैवी और सीरियस रोल किया नहीं है, तो वो कहीं अटकते भटकते नजर आएंगे। फिल्म में हीरो के पास हीरो जैसा कोई काम ही नहीं करवा रहे हैं। फिल्म कब खत्म हो जाती है वो भी पता नहीं चलता है। अमित त्रिवेदी का म्यूजिक शायद इस बार इतना जादू नहीं चला रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि ये फिल्म सस्पेंस थ्रिलर होगी तो आपकी आशाओं पे जरूर से पानी फिरेगा। तो इंडियाज मोस्ट वांटेड, जिसे मैं की ओर से 5 में से 2.5 सिटी स्टार्स। सेकंड फिल्म पीएम मोदी की बायोपिक, और विवेक ओबेरॉय ने उनकी मिमिक्री नहीं की है, उनकी नकल नहीं की है, ये बेस्ट बात है। लेकिन फिल्म में इतना कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, ये फिल्म से ज्यादा एक डॉक्यू ड्रामा आप कह सकते हो। टेक्निकली इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी कमाल की है, फिल्म आपको एंड तक जकड़े भी रखेगी। पीएम मोदी की लाइफ के बारे में अगर आपको जानना है तो ये फिल्म जरूर से देखनी चाहिए। और इस फिल्म को कितने स्टार्स, अगर आप ये सवाल पूछते हो तो 23 मई को जनता ने उनको कितने स्टार दे दिए हैं ये तो आप जानते ही हैं।